सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ पूरी दुनिया में भारत सातवां सबसे बड़ा देश है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, राजधानी अमरावती। पहले इस राज्य की राजधानी हैदराबाद थी। साल 2015 में नई राजधानी बनी अमरावती। यहाँ देश का सबसे बड़ा स्तूप बनाने की योजना है। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर। 20 अप्रैल 1974 को ईटानगर राज्य की राजधानी बनी। ये देश के उत्तर पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा राज्य है। असम, राजधानी दिसपुर। पहले असम की राजधानी शिलोंग हुआ करती थी, लेकिन साल 1972 में दिसपुर राजधानी बनी। बिहार, राजधानी पटना। पटना जनसंख्या के हिसाब से देश का 19वां सबसे बड़ा शहर है। छत्तीसगढ़, राजधानी अटल नगर नया रायपुर। 21 अगस्त 2018 को इस राज्य की राजधानी का नाम रायपुर से अटल नगर रखने की घोषणा हुई। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में ऐसा किया गया। गोवा, राजधानी पणजी। भारत को आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन पुर्तगालियों के कब्जे से गोवा को आजादी 1961 में मिली। पहले ये केंद्र शासित राज्य था। 1987 में इसे एक राज्य के रूप में मान्यता मिली। गुजरात, राजधानी गांधीनगर। पहले गुजरात की राजधानी अहमदाबाद थी, लेकिन बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में गांधीनगर को इसकी राजधानी बनाया गया। हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ का नाम यहाँ की देवी चंडी के नाम पे पड़ा। ये पंजाब की भी राजधानी है। हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला, धर्मशाला। जम्मू कश्मीर के बाद ये देश का दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी दो राजधानियां हैं। 2017 में धर्मशाला को विंटर कैपिटल और गर्मियों में शिमला को राजधानी घोषित किया गया। झारखंड, राजधानी रांची। झारखंड में देश का 40% खनिज और 29% कोयला पाया जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े खनिज क्षेत्रों में से एक है। कर्नाटक, राजधानी बेंगलुरु। बेंगलुरु से पहले बंगलौर थी कर्नाटक की राजधानी। बेंगलुरु को देश की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहाँ देश के कई लीडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे इसरो, विप्रो और इंफोसिस के मुख्यालय हैं। केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम को पहले त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। ये 7 पहाड़ियों पर बसा शहर है। तिरुवनंतपुरम का मतलब भगवान अनंत का घर है। मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल। भोपाल की स्थापना राजा भोज ने 11वीं सदी में की थी। तब इसे भोजपाल कहा जाता था, जो बाद में चलकर भोपाल हो गया। महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई। 1995 तक मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लो के हिसाब से दुनिया की टॉप 10 सिटीज में मुंबई शामिल है। मणिपुर, राजधानी इम्फाल। इम्फाल का इल्मा मार्केट एशिया का सबसे बड़ा ऐसा मार्केट है जिसे महिलाएं चलाती हैं। मेघालय, राजधानी शिलोंग। 1972 में मेघालय राज्य बनने के बाद शिलोंग इसकी राजधानी बनी। ये देश का अकेला ऐसा हिल स्टेशन है जहां चारों दिशाओं से पहुंचा जा सकता है। मिजोरम, राजधानी आइजोल। आइजोल एक ऐसा शहर है जो कमर्शियल भी है और कल्चरल भी। ये राज्य का सबसे बड़ा शहर है। नागालैंड, राजधानी कोहिमा। कोहिमा अंगामी नागा जनजाति की भूमि है। इस शहर को ये नाम अंग्रेजों ने दिया था क्योंकि वो इसका नाम नहीं बोल पाते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पाए जाने वाले केहवी फूल के नाम पर कोहिमा का नाम रख दिया। ओडिशा, राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को टेंपल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पंजाब, राजधानी चंडीगढ़। 1966 में इस केंद्र शासित शहर का गठन किया गया था। तब इसे पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया। राजस्थान, राजधानी जयपुर। जयपुर देश की पहली प्लान्ड सिटी है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया था। सिक्किम, राजधानी गैंगटॉक। गैंगटॉक एक तिब्बती शब्द है, इसका मतलब है पहाड़ की चोटी। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कई मठ और धार्मिक स्थल है, इसीलिए इसे तिब्बतीय बौद्ध संस्कृति का केंद्र भी कहा जाता है। तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। चेन्नई को पहले मद्रास पत्तनम के नाम से जाना जाता था। ये करीब 400 साल पुराना शहर है। तेलंगाना, राजधानी हैदराबाद। त्रिपुरा, राजधानी अगरतला। 2011 की जनगणना के अनुसार अगरतला की साक्षरता दर 93.8% थी, जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से कहीं अधिक है। उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ। उत्तराखंड, राजधानी देहरादून।
देहरादून देश की सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका जिक्र महाभारत और रामायण जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी किया गया है। इसे गुरु द्रोण का घर भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता। 2011 से पहले कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। केंद्र शासित राज्य, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। खास बात यह है कि केंद्र शासित राज्य दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर भारत के सारे केंद्र शासित प्रदेशों की तरह संचालित नहीं होते, क्योंकि उनके पास आंशिक राज्य का दर्जा है और उनकी अपनी विधानसभाएं हैं।